नेहा सिंह राठौर उत्तरी दिल्ली में इस समय गई हैं और वहीं ठहरी हुई हैं, लगातार लोगों से जनसंवाद भी कर रही हैं और इस बात का अपील भी कर रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। पत्रकारों से बात करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि इस समय जिस तरीके जो लोग इतने फूहड़ गाने गा रहे हैं वो देश का विकास क्या करेंगे। पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा, अगर हमें मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मैं जीत जाऊंगी। इस पर उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि भोजपुरी में जो अश्लीलता फैली हुई है उसे दूर करने की हर संभव प्रयास मैं कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि इसे दूर भी कर पाऊंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री की जो पहचान है वो लगातार फुहड़ता से होती है जो मुझे कतई हजम नहीं होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग चार दिन से मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे तीखे तेवर हैं, लेकिन ये मैं पिछले चार सालों से लगातार करते चली आ रही हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की जो पहचान है वो सिर्फ फूहड़ गानों के लिए है, जिस परिभाषा को मैं बदलना चाहती हूँ। भोजपुरी को एक